नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। 2024 के चुनाव को लेकर जिस वक्त गठबंधन का मेला लगा है, अपने अपने मोर्चे की पहल हो रही है, ठीक उसी समय एक बार फिर मायावती ने अकेले चलने की बात दोहराई। उन्होंने फिर से साफ कर दिया कि बसपा लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी, पार्टी किसी दूसरे दल के साथ हाथ नहीं मिलाएगी। यह अपने आप में बड़ी घोषणा है, लेकिन बात सिर्फ पुराने रुख को दोहराने भर की नहीं। आज बसपा अध्यक्ष ने भाजपा और सपा को सीधी चुनौती दे डाली। उन्होंने नए समीकरण की तरफ इशारा दे डाला। लखनऊ में निकाय चुनाव की समीक्षा बैठक में बसपा के तमाम मंडल संयोजक और जिला अध्यक्ष जुटे थे। इनके बीच मायावती ने कहा कि वोट हमारा और राज तुम्हारा, ये नहीं चलेगा। ये कहने को तो पुराना नारा है, जिस वक्त सियासत के कई अध्याय लिखे जा चुके हैं इस नारे पर। लेकिन अब मायावती की तरफ से फिर नए सिरे से इस पर जोर दिए जाने का गहरा मतलब है। इशारा साफ है कि पार्टी अपने चुनावी समीकरण में कुछ बदलाव कर सकती है। माना जा रहा है कि बसपा 2024 में दलित, ओबीसी और मुस्लिम समीकरण के जरिए बड़ा दांव चल सकती है। आखिर बसपा का यह नया कार्ड किन दलों को चुभने वाला है, इसके हर पहलू का करूंगा मैं पूरा विश्लेषण। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। राजनीति के मैदान में कोई भी दांव आखिरी नहीं होता और हर दौर में इसमें बदलाव की गुंजाइश होती है, तो कई बार पुराने फॉर्मूले को भी आजमाने में हिचक नहीं दिखाई जाती। मायावती के नए अंदाज को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। बसपा ने मेयर की जंग में 17 में से 11 नगर निगमों में मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। ये रणनीति निकाय की लड़ाई की थी, लेकिन 2024 में पार्टी अलग बिसात बिछा सकती है, इसका आज बड़ा इशारा लखनऊ से सामने आया। भाजपा के मिशन 80 को मायावती का चैलेंज, 2024 की चुनावी योग माया। बिना हतोत्साहित हुए अगली लड़ाई के लिए तैयार करो। हमें 2024 के चुनाव के लिए मजबूती के साथ लड़ना है और मजबूती के साथ खड़ा होना है। इसके लिए हमें बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करना है। मुस्लिम कार्ड नाकाम होने के बाद नई तैयारी, विरोधी दलों के वोट बैंक में होगी सेंधमारी। सभी लोग वर्कर हमारे जो हैं, चाहे वो बूथ के हों चाहे सेक्टर की समीक्षा कमेटी के लिए, सारे हमारे कोऑर्डिनेटर जिला अध्यक्ष सब लोग लग के समीक्षा करेंगे और बूथ सेक्टर को फिर से कमेटी बनाएगा। मायावती ने पार्टी नेताओं को दिया नया मंत्र। हमारी जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी, उन्हें रिन्यू करने के लिए हम लोगों को अगस्त तक निर्देश दिया है। अब हम लोग पूरी ताकत के साथ उन्हें रिन्यू करेंगे ताकि लोकसभा चुनाव में अच्छा रिजल्ट हम लोगों को। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा की अपील। नगर निकाय में झटका, 2024 में पार्टी लेगी बदलाव। आगे की रणनीति मजबूत बनाने के लिए बहन जी के दिशा निर्देश जारी हुए हैं और उन्हीं के ऊपर हमारे बसपा के कार्यकर्ता काम करेंगे और भाजपा को शिकस्त देंगे। भाजपा और सपा का सावधान अलार्म। आज वो बौखलाए हुए हैं, जनता ने उनको लकड़ दिया। चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हुआ है, ईमानदारी से हुआ है, कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई सरकारी मशीन का दुरुपयोग नहीं किया गया। समाजवादी पार्टी गरीब की, पिछड़ों की, दलितों की और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की राजनीति करती है और ऐसे व्यक्ति को बढ़ाने का काम हरदम आदरणीय मुलायम सिंह जी ने किया और वही काम आदरणीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कर रही है। गठबंधन का मेला हाथी चलेगा अकेला। बात तो चुभेगी।
निकाय चुनाव के नतीजे के बाद आज मायावती ने फिर समीक्षा बैठक की तो पूरा फोकस लोकसभा चुनाव पर देखा। मायावती ने साफ किया कि जिसकी भी सत्ता होती है उसके पीछे दलित वोटर ही सबसे अहम होता है। अपने पुराने नारे के जरिए मायावती ने फिर से पुराने वोट बैंक की तरफ वापसी का संदेश दिया है। बसपा प्रमुख को पूरा भरोसा है कि दलित वोटरों के नाम उनकी पुकार इस बार बेकार नहीं जाएगी। के साथ हम लोग काम करेंगे, हम मजबूती के साथ काम करेंगे और बहन जी का जो आदेश है उसका पालन करेंगे। बहन जी का निर्देश है कि लोकसभा के चुनाव की तैयारी के साथ लोकसभा के चुनाव की तैयारी के अंदर पार्टी के कार्यकर्ता लग जाएं, यही काम है, इसके अलावा कोई काम। देखिए बहन जी, जो रणनीति हम लोग बनाएंगे उसे ऊपर नहीं करेंगे, सार्वजनिक नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे, बस यही। निकाय चुनाव के नतीजे भले ही बसपा के लिए निराशाजनक हो लेकिन मायावती ने पार्टी नेताओं का मनोबल बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो कई जगह मालूम हुआ, कहीं 2-3 डिब्बा गिनने बाकी ही बूथ का रह गया है और हमेशा ही होता है जो जीता करने उसको सिक्योरिटी ले जाकर घर छोड़ती है। यहाँ तो गिनती करा रहे हैं हमारे कैंडिडेटों को लेकर छोड़ दिए ले जाके, पहले वोट निकलने नहीं दिया गया, वोट की तरह पड़ा तो गिनती मेहमानी कराया, हर तरह से लोगों ने उनकी सरकारी मशीन दुरुपयोग किया। उन्होंने सपा और कांग्रेस को लेकर भी कोई हिदायत या कुछ कहा है? नहीं कुछ नहीं, सब अपना अपना लड़ेंगे। महेंद्र जी ने हम लोगों को कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है, हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं ये सारे लोग लग करके मेहनत से आगे लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। बसपा की इस बैठक से निकला संदेश विरोधी दलों के लिए भी खास मायने रखता है। प्रदेश भर से जो छोटे बड़े पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इस समय हम देख पा रहे हैं भीमराव अम्बेडकर जी को, जो MLC हैं बसपा से, इकलौते MLC हैं और साथ में लखनऊ के कोऑर्डिनेटर भी हैं। इसके अलावा आगे की तरफ तस्वीरें दिखाएं, आप देख सकते हैं यहाँ पर बसपा के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सतीश चंद मिश्रा जी, इसके अलावा बसपा विधानमंडल दल के नेता और जो इकलौते विधायक हैं पार्टी के उमाशंकर सिंह जी, उनको हम देख पा रहे हैं। उन्हीं के आगे की तरफ चलेंगे तो देखिए बसपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो मुरादाबाद के कोऑर्डिनेटर हैं नौशाद अली उनको हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। उससे आगे की तरफ देखिए अगर विश्वनाथ पाल जी के थोड़ा सा आगे की तरफ तो देख सकते हैं आप वहाँ पर इमरान मसूद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और आज जो यहाँ पर देखिए मंथन होगा वो होगा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। मायावती ने सपा को भी सधे हुए शब्दों में सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि सपा की नकारात्मक राजनीति को लोगों ने पसंद नहीं किया। बसपा अध्यक्ष ने सहारनपुर और आगरा के मेयर चुनाव में सपा पर घिनौनी साजिश रचकर बसपा को हराने का आरोप लगाया। इशारा साफ है कि सपा की जमीन कमजोर करने में बसपा कोई कसर नहीं छोड़ेगी। देखिए बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और आदरणीय जो बहन जी का फैसला है उसी पर हम लोग काम करेंगे। 50% रण जो नौजवान है उन्हें संगठन में रखा जाए, आदरणीय बहन जी का निर्देश है। बाकी सर्व समाज के हिसाब से पदाधिकारी बनाए गए। सुश्री बहन मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बसपा सुप्रीमो के रूप में अगर कोई निर्णय सुनाती हैं तो उनका पार्टी का अपना निर्णय है, उस पर हमें कोई एतराज नहीं है। वहीं भाजपा पर भी मायावती ने चुभने वाला हमला बोला। बसपा ने योगी सरकार को जन विरोधी और दमनकारी बताया। यहां तक कहा कि अगर मेयर चुनाव भी बैलेट से होते तो नतीजे कुछ और होते।
इसके साथ ही पार्टी ने 80 में से 80 लोकसभा सीटों पर अकेले दम पर आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया। भाजपा ने इस पर चुभने वाला तंज किया। बहुजन समाज पार्टी विकल्प है मुसलमान के लिए। अगर ईमानदारी के साथ भाजपा के साथ आपको वैचारिक जंग को जीतना है तो कोई आपका विकल्प नहीं है बहुजन समाज पार्टी का। सहारनपुर इसका उदाहरण है। सहारनपुर में जिस तरह से इकट्ठा होकर के दलित और मुसलमान ने चलने का काम किया, भाजपा ज़बरदस्ती चुनाव जीत गई और शोर मचाती रहे, लेकिन भाजपा के लोग अंदर से जानते हैं अच्छी तरह से कि चुनाव वो जीते नहीं, चुनाव उन्होंने ज़बरदस्ती छीना है। देखिए, मायावती अकेले लड़े या सब मिल के लड़े, भाजपा का जीतना तय है और प्रधानमंत्री मोदी जी का बनना भी तय है। साफ है कि आने वाले दिनों में बसपा अपनी मुहिम को और धार देने वाली है, लेकिन वो अपने चुनावी समीकरण के नए प्रयोग के लिए क्या करती है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोरा की। और बात अखिलेश यादव की, जिन्होंने दो दिन में लगातार दो बार पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और लोकसभा चुनाव के लिए जी जान से जुटने के निर्देश दिए। अखिलेश यादव का मानना है कि अगर पार्टी ने थोड़ी ताकत और लगा दी तो 24 के चुनाव परिणाम बदल सकते हैं। निकाय चुनाव के भले ही समाजवादी पार्टी को हार नसीब हुई हो, लेकिन अखिलेश यादव इसमें खुश होने की वजह तलाश चुके हैं। अखिलेश यादव ने बताया कि 70% जनता ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया, जो 24 के चुनाव के लिए बड़ा संदेश है। बुधवार को जो बात बाकी रह गई थी उसे पूरा करने के लिए अखिलेश यादव ने गुरुवार को भी पार्टी दफ्तर पर बैठक बुलाई और पदाधिकारियों के साथ मंथन किया। निकाय चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव का पूरा फोकस अब लोकसभा चुनाव पर है। इसके लिए उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश भी दे दिया है। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा को जनता 2024 के चुनाव में जवाब देगी। सभी को अभी से ही लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाना है। बूथ स्तर तक पार्टी का संगठन मजबूत करना है। भाजपा सरकार के 9 साल का हाल जनता को बताना है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर संदेश पहुंचाना है। निकाय चुनाव में सपा भले ही किसी नगर निगम में चुनाव न जीत पाई, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायत के नतीजों में उसे भाजपा के खिलाफ वाली लहर नजर आ रही है। सपा का तर्क है कि जनता ने भाजपा को निकाय चुनाव में सबक सिखाया है। भाजपा के 25% सांसदों के क्षेत्र में विरोधियों ने जीत दर्ज की। 16 जिलों की नगर पालिकाओं में भाजपा का कोई भी प्रत्याशी नहीं जीता। यही नहीं, सबसे ज्यादा भाजपा के ही 3,706 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई। अखिलेश बताते हैं कि यूपी की 70% से ज्यादा जनता ने भाजपा के खिलाफ वोट किया। यही वो तमाम बातें हैं जिन्हें लेकर अखिलेश अपने विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों में जोश भर रहे हैं। दो दिन में दो बार बैठक करके उन्होंने जमीन पर काम तेज करने के निर्देश दे दिए हैं। समीक्षा बैठक का दौर लगातार जारी है। निकाय चुनाव में जो अप्रत्याशित परिणाम मिले हैं उसको लेकर समीक्षा चल रही है। कल गोरखपुर और लखनऊ के जो पदाधिकारी थे वो आए थे, समीक्षा हुई थी, और आज कई जनपद के प्रभारियों को बुलाया गया है जो चुनाव लड़े थे, उन प्रत्याशियों को बुलाया गया है, विधायकों को बुलाया गया है, सबके साथ मिलकर हार की समीक्षा बैठक करेंगे। इस बात को सपा माने या न माने, लेकिन निकाय चुनाव के नतीजों से सपा को कहीं ना कहीं बेचैनी जरूर हो रही है। हालांकि हार का मुंह देखने के बाद पार्टी के नेता इसे छोटा चुनाव बता रहे हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारी की बात कर रहे हैं। समीक्षा की जरूरत है, संगठन पर हमें जोर देना है, इसलिए जोर देना है। ये तो छोटे छोटे चुनाव थे, छोटे छोटे चुनाव में कई लोग लड़ जाते हैं, गुटबंदी भी हो जाती है, तो इसकी वजह से और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी ही चुनौती बनेगी। सपा के सामने एक सवाल खुद मजबूत होकर भाजपा के खिलाफ लड़ना है, तो दूसरा सवाल गठबंधन नीति को लेकर है। क्योंकि एक तरफ जहां रालोद के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन का विकल्प अभी भी खुला है। ममता बनर्जी के बयान के बाद हलचल और ज्यादा बढ़ गई है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस पे विचार कर रहा है, और देखिए ये है कि पूरे देश के विपक्ष के लोगों का मत है, सब लोग मिल करके तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी चाहता है कि सब लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हटाए। लोकसभा चुनाव भले ही 2024 में हो, लेकिन सियासी दलों के पास तैयारी के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा।
अब इस बचे हुए वक्त में कौन कितना मजबूत होकर उभरेगा ये देखना होगा। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में अगर किसी राज्य पर देश की सबसे ज्यादा निगाहें होगी तो वो राज्य उत्तर प्रदेश है, क्योंकि यहां की 80 सीटें हार जीत में सबसे अहम मानी जाती हैं। भाजपा को इसी राज्य में सबसे बड़ी उम्मीद है, तो कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश के सहारे नया खेल करने की कोशिश में है। लेकिन दिक्कत यह है कि कांग्रेस को साथ लाने के लिए यूपी के क्षेत्रीय दल तैयार नहीं है। मायावती पहले ही कांग्रेस से किनारा कर चुकी हैं और अखिलेश यादव भी कांग्रेस से दूरी बनाकर रखे हुए हैं। अब सवाल यह है कि बिना क्षेत्रीय दलों के सहारे सबसे बड़े सियासी राज्य में कांग्रेस कमाल कैसे कर पाएगी। मायावती अपने अलग रास्ते पर हैं, अखिलेश यादव का रास्ता अलग है और सबकी नजर इस बात पर है कि कर्नाटक विजय के बाद यूपी में कांग्रेस का अगला दांव क्या होगा। दरअसल विपक्षी दल भले ही अलग अलग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद कहीं ना कहीं सभी के सुर बदलने लगे हैं। इशारों इशारों में कांग्रेस को नसीहतें दी जा रही हैं। एक तरह से कहा जाए तो ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव तक ये कह चुके हैं कि कांग्रेस सिर्फ उन राज्यों पर ध्यान दे जहां उसका मुकाबला भाजपा से है, और ये ऐसी सीटें हैं जिनकी संख्या 200 के करीब है। Wherever is the Congress strong, in their respective 200 seat or something, what we have already calculated, let them fight, we will give support, nothing is wrong. But they have to see that they have to support the other political party also. I am giving you the support in Karnataka, but you are fighting against me every day. It should not be the policy. It is for everybody. If you want to get some good things, then you have to sacrifice yourself also in some area. आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय ममता बनर्जी जी, केसीआर साहब और बहुत सारे दल इसी कोशिश में हैं कि कोई रास्ता निकले और जो दल जहां मजबूत है उस दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। दरअसल कांग्रेस और भाजपा के बीच ज्यादातर सीधा मुकाबला उत्तर भारत के राज्यों में ही दिखाई देता है, जैसे मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, वहां भी दोनों के बीच ही मुख्य मुकाबला है। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच लड़ाई है। इसी तरह छत्तीसगढ़ की 11 सीटें और गुजरात की 26 सीटें हैं। कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता है। ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के होते हुए बीजेपी हार नहीं सकती है। कर्नाटक जीत करके ये मैसेज पूरे देश में चला गया है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराया जा सकता है। ये बीजेपी का एक प्रोपोगंडा है। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है ये घोषित हो जाए, जबकि कांग्रेस सभी धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी है। देश की सियासत में भाजपा बनाम कांग्रेस वाली जिन 200 सीटों की चर्चा हो रही है उनमें से 168 सीटें भाजपा ने 2019 के चुनाव में जीती थी और सिर्फ 25 सीटें ही कांग्रेस के खाते में गई थी। वहीं 2014 में भाजपा ने इनमें से 178 सीटें जीती थी और कांग्रेस को सिर्फ 16 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। यानी ममता बनर्जी और अखिलेश यादव कांग्रेस के कंधे पर जो जिम्मेदारी रखना चाहते हैं वो बहुत भारी है। यही वजह है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं दबी जुबान में हर राज्य में गैर एनडीए दलों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहती है। कर्नाटक की जीत जो है ना वो कांग्रेस पार्टी के तमाम करोड़ों कार्यकर्ताओं के हौसले की जीत है। कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता है। कांग्रेस ने अपने इरादे उसी वक्त जाहिर कर दिए थे जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले थे। कई सियासी दलों को उन्होंने खुले मन से यात्रा में शामिल होने के लिए चिट्ठी लिखी थी, लेकिन ज्यादातर नेताओं ने दूरी बना ली थी। अब सवाल ये है कि अगर कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों का साथ नहीं मिला तो अंजाम क्या होगा। कम से कम उत्तर प्रदेश में इस बात को आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि यहाँ विधानसभा में कांग्रेस के नेताओं की संख्या 2 और लोकसभा में सिर्फ 1 है। 22 तारीख को हमारे प्रदेश भर के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष सब मिल करके
निकाय चुनाव में हमने कहाँ अच्छा किया, कहाँ हमारा प्रदर्शन खराब रहा, उन पर समीक्षा के बाद तुरंत हम लोकसभा की तैयारी में जुट जाएंगे, ऐसा हम लोगों ने तय किया है। तो 22 तारीख को हमारी समीक्षा बैठक है। जहाँ तक भाजपा के समीक्षा का बात कर रहे हैं आप, तो भाजपाइयों की समीक्षा तो अब ये हो रही है कि कौन सी सीट हम हारे हैं, हारे हैं तो डीएम और एसपी को क्यों रहना है वहाँ, इनको हटाने की समीक्षा चल रही उनकी। तो यूपी के लिहाज से सियासी तस्वीर पूरी तरह साफ है, क्योंकि सपा और बसपा आज उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस हैसियत पर हैं, वहां एक समय कांग्रेस हुआ करती थी। इसी तरह बंगाल में भी ममता बनर्जी कांग्रेस की ही पुरानी जमीन पर खड़ी हैं। यही वजह है कि कोई भी क्षेत्रीय दल कांग्रेस को ज्यादा मजबूत नहीं होने देना चाहता, क्योंकि कांग्रेस जितनी मजबूत होगी क्षेत्रीय दलों को उतना ही घाटा होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में एक बड़ा फैसला मुस्लिम समाज के वोटर को भी करना होगा, खासतौर पर पश्चिमी यूपी के मुसलमान किसके साथ जाएंगे, इसको लेकर अभी से चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुस्लिम वोटर्स को लेकर बात तब और ज्यादा बढ़ गई जब भाजपा सांसद और पश्चिमी यूपी की राजनीति को बखूबी समझने वाले लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने एक भविष्यवाणी कर ली। लक्ष्मीकांत वाजपेयी की माने तो 2024 के चुनाव में मुस्लिम वोटर सपा और बसपा को छोड़कर कांग्रेस के साथ जा सकता है। अब भाजपा सांसद का यह बयान किसी रणनीति के तहत सामने आया है या फिर ये जमीनी हकीकत है, इसको लेकर तलवारें खिंच गई। निकाय चुनाव के नतीजों के साथ ही भाजपा ने यूपी की जनता के बीच एक नया संदेश पैदा किया है, और ये संदेश है मुस्लिम वोटर को लेकर। दरअसल यूपी में कई ऐसी जगहें हैं जहां मुस्लिम वोटर ने भाजपा के प्रत्याशी को वोट दिया। उदाहरण के तौर पर अमरोहा की सदर नगर पालिका है, जहां से भाजपा की शशि जैन दोबारा अध्यक्ष बनी है। खास बात यह है कि अमरोहा की ये सीट मुस्लिम बहुल मानी जाती है, लेकिन यहाँ के मुस्लिम वोटर ने भाजपा को भारी मतदान किया। चर्चा है कि 15,000 मुस्लिम वोटर ने भाजपा प्रत्याशी को वोट दिया। यहाँ सपा के मुस्लिम प्रत्याशी तीसरे नंबर पर पहुंच गए। किसी मुस्लिम बहुल इलाके में भाजपा के प्रत्याशी का जीत जाना 2024 के लिहाज से काफी अहम हो गया है। भाजपा ने इस बार मुस्लिम बहुल वार्ड में मुस्लिम प्रत्याशी भी उतारे थे। इस रणनीति से भी भाजपा को फायदा मिला और दर्जनों जगह भाजपा को जीत मिली। जो पहले भी लक्ष्य था सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, हमारा लक्ष्य अब भी है वही है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और हम बिना किसी भेदभाव के सभी समाज के लिए काम करेंगे। कोई हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं है, सभी समाज मेरे साथ हैं और हमें सभी के लिए काम करना है। देखिए, मुस्लिम समाज जो है विकास को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नाम पर भारी मतों से मुझे विजयी बनाया है, और मुस्लिम समाज जातिवाद धर्म बिरादरी को ना देखते हुए सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर वोट दे रहा है। निकाय का चुनाव वैसे तो लोकल स्तर पर होते हैं, यहाँ पार्टी से ज्यादा प्रत्याशी का चेहरा अहम होता है। ऐसे में सवाल ये है कि जब लोकसभा चुनाव में पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे तो हालात क्या होंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चेहरे से ज्यादा पार्टी का सिंबल होता है, और भाजपा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने ये कहकर नई हवा चला दी है कि लोकसभा चुनाव में यूपी का मुसलमान सपा बसपा की जगह कांग्रेस के साथ जा सकता है। एक बात मुझे दिख रही है कि मुसलमान अगले लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पर जाएगा। अच्छा। उसके पास कोई और आका ही नहीं है अब। समाजवादी पार्टी उसका मोहभंग है। AIIM पर हैदराबाद वाली पार्टी पर उत्तर प्रदेश में वो विश्वास नहीं कर सकता। वो उसका स्वाभाविक जो पार्टी थी पुरानी वो उस पर। मुस्लिम मोर्चे पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी भले ही कांग्रेस को सपा बसपा से बेहतर आंक रहे हों, लेकिन बसपा नेता उनके इस बयान से इत्तफाक नहीं रखते। समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए मुफीद नहीं है। समाजवादी पार्टी मुसलमान का ना भला कर सकती है, ना समाजवादी पार्टी के अंदर मुसलमान रह करके चुनाव जीत सकता है। उत्तर प्रदेश में केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी विकल्प है मुसलमान के लिए। अगर ईमानदारी के साथ भाजपा के साथ आपको वैचारिक जंग को जीतना है तो कोई आपका विकल्प नहीं है बहुजन समाज पार्टी का। सहारनपुर इसका उदाहरण है। सहारनपुर में जिस तरह से इकट्ठा होकर के दलित और मुसलमान ने चलने का काम किया, भाजपा ज़बरदस्ती चुनाव जीत गई और शोर मचाती रहे, लेकिन भाजपा के लोग अंदर से जानते हैं अच्छी तरह से कि चुनाव वो जीते नहीं, चुनाव उन्होंने ज़बरदस्ती छीना है।
पश्चिमी यूपी के मुसलमानों ने निकाय चुनाव में बहुत अहम संदेश दिया है, क्योंकि कई जगहों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई तो कई जगहों पर ओवैसी की पार्टी जीती। सपा और बसपा ने भी मुस्लिम बहुल इलाकों में जीत दर्ज की है, लेकिन उनकी ये जीत ऐसी नहीं रही जिससे दोनों पार्टियों को संतुष्टि मिल सके। अब लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने ऐसा बयान दे दिया जो किसी को खुश कर रहा है तो किसी की बेचैनी बढ़ा रहा है। मैं सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को बधाई देना चाहूँगा। कम से कम स्वीकार तो किया, सत्य को स्वीकार करना ये हर एक राजनीतिक दल के आदमी की हिम्मत नहीं है। उन्होंने इस सत्य को स्वीकार किया है कि अब मुस्लिम जो है अपने पुराने घर कांग्रेस में जाने वाला है। तो निश्चित आज के उनके स्टेटमेंट से भाजपा के नेताओं की परेशानी बढ़ गई होगी, तकलीफ़ हो रही होगी कि कैस्ट जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है वो धरातल को देखने के बाद दिया है। वाजपेयी जी वरिष्ठ नेता हैं हमारे, उनके संबंध भी अच्छे हैं, लेकिन मैं उनको भविष्य वक्ता नहीं मानता हूँ। ये लोकतंत्र है, कौन वोट कहाँ जाएगा उस पर कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता है। और मुस्लिम मतदाता इतना नादान और बच्चा नहीं है कि वाजपेयी जी के अनुसार वो वोट करेगा। सहारनपुर से लेकर संभल तक पश्चिमी यूपी की कई ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर काफी तादाद में हैं, और यही वोटर 2024 में किंग मेकर बन सकते हैं। मुस्लिम वोट बैंक के मोर्चे पर मुरादाबाद मंडल काफी अहम है, जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन को सबसे बड़ी सफलता मिली थी। लेकिन अगर कांग्रेस ने कोई बड़ा गेम कर दिया तो 24 के चुनाव में बसपा के साथ साथ सपा को भी करारा झटका लग सकता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रभात, विधान परिषद उपचुनाव की दो सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है। इस चुनाव में भाजपा संख्या बल से में सपा पर भारी है, बावजूद इसके वो इस चुनाव को भी पूरी शिद्दत से लड़कर विरोधी दलों को बड़ा संदेश देना चाहती है। इसलिए खुद सीएम योगी अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ नामांकन के मौके पर मौजूद रहे, लेकिन ऐसी ही तस्वीर सपा के खेमे में नहीं आई। सपा प्रत्याशी ने जब पर्चा भरा तो मौके पर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद नहीं थे। यूपी में एक और चुनाव नजदीक आ गया है और भाजपा ने एक बार फिर विजय ध्वज फहराने की पूरी तैयारी कर ली है। इस बार मौका है एमएलसी की खाली हुई दो सीटों पर उपचुनाव का, जिसके लिए भाजपा के दो प्रत्याशियों मानवेंद्र सिंह और पद्मसेन चौधरी ने नामांकन भरा। दोनों के नामांकन के दौरान भाजपा के दिग्गजों की फौज मौजूद रही। सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम और कई मंत्री नामांकन में शामिल हुए। दोनों 100% जीतेंगे, माननीय विधायकों की संख्या बल के आधार पर सुनिश्चित है। लेकिन समाजवादी पार्टी भी तो लड़ा रही है, आपको पता है उनकी स्थिति है। इस तरह से जब नंबर नहीं उसके बावजूद वो केवल मीडिया में आने के लिए उनको कारण नहीं। हाँ, निश्चित तौर से दोनों सीटें जीतेंगे और भारी अंतर से जीतेंगे, और हमारे दोनों जो वरिष्ठ साथी हैं पार्टी के, दोनों प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, वो विधान परिषद के लिए निर्वाचित होंगे, विजयी होंगे, पूरा विश्वास। ये समाजवादी पार्टी भी तो कैंडिडेट उतार रही है। जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना। मैं बीजेपी 274 तो आपके अपने इस गठबंधन के साथ विधायक है, लेकिन आप लोग कितने वोट दिलाएंगे? क्या दूसरे दलों में भी सेधमारी यहाँ पे भी होगी? अभी हमारा ये मानना है कि हमारे दोनों प्रत्याशी रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। निश्चित रूप से जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और ये ऐसा सामान्यतया होता नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी तो लड़ा रही है, दोनों प्रत्याशी उतार दिए। अब ये उनकी समझदारी है, हम क्या करें। मतलब चुनाव होगा 29 तारीख, अगर वो चुनाव, हाँ वो चाहते चुनाव तो अलग अलग सीट पर वोट होगा ना, अलग अलग होगा, यानी 403 हर विधायक जी। भाजपा के दोनों उम्मीदवार पहले पार्टी कार्यालय पहुंचे, फिर वहां से पैदल विधानसभा पहुंचे। दोनों उम्मीदवारों ने दो दो सेट में अपना नामांकन जमा कर दिया है, और आंकड़ों को देखा जाए तो दोनों की जीत करीब करीब तय मानी जा रही है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तो प्रदेश नेतृत्व का आभार है कि एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में ही इन पदों पर सुशोभित करने का जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का नियम रहा है, उसी के अनुरूप हम सब लोग बनाए गए हैं। और निश्चित तौर पे सपा भी उतार रही, अब चुनाव होगा उम्मीद है, कोई फर्क नहीं। माना जा रहा था कि भाजपा के दोनों प्रत्याशी निर्विरोध उपचुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि आंकड़े हर तरफ से भाजपा के ही पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सपा ने ठाना है कि वो भाजपा को ये चुनाव निर्विरोध नहीं जीतने देगी। सपा ने अति पिछड़ा और दलित प्रत्याशियों पर दांव लगाया,
सपा ने रामकरण निर्मल और रामजतन राजभर को प्रत्याशी बनाया है। इनमें से रामजतन राजभर पहले भी MLC रह चुके हैं। हालांकि जिस तरह से भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन में CM योगी खुद मौजूद रहे, उस तरह सपा के प्रत्याशियों के नामांकन में अखिलेश कहीं नजर नहीं आए। पार्टी के कुछ विधायकों ने जरूर प्रत्याशियों का हौसला बढ़ाया। अब सपा के प्रत्याशियों की जीत भाजपा विधायकों की अंतरात्मा पर टिकी है। राजनीति जो है कभी वो संख्या बल से ही नहीं होती, समीकरण से भी होती है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो कमजोर परिवार से आ रहे हैं, समाज के अति पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं, लोग दिल की आवाज़ पर उसको समर्थन करने का काम करेंगे। सरकार से हमारी मांग भी थी कि पिछड़े और दलित लोगों का जाति आधार पर जनगणना कराई जाए, इसलिए हम लोगों ने एक दलित एक पिछड़ा खड़ा किया है। और जो भी पूरे प्रदेश में विधायक दलित और पिछड़े हैं वो इनको वोट दें अपनी अंतरात्मा के, ये हमारी अपील है। हम लोग ये चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में ये संदेश जाए कि दलितों और पिछड़े वर्ग को उनके हक, उनका अधिकार, उनका सम्मान और न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी संघर्ष करने का काम कर रही है। इधर सपा ने संख्या बल न होने के बावजूद अपना प्रत्याशी उतारा, तो उधर भाजपा के नेताओं ने अखिलेश पर हमला शुरू कर दिया। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, पराजय के धनी सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव की पार्टी सपा विधान परिषद के उपचुनाव में प्रत्याशी उतारकर नगरीय निकाय चुनाव में करारी शिकस्त के बाद एक और सुनिश्चित पराजय के लिए अग्रिम बधाई। केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से अखिलेश यादव को पराजय का धनी बताया, ये बात सपा नेताओं को चुभनी तय थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अब श्री केशव प्रसाद मौर्य जी बड़बोलेपन के लिए मशहूर हैं और वो हमेशा अपने बड़े नेताओं को खुश करने के चक्कर में इस प्रकार का बयान देते रहते हैं। उनकी बयान को मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूं, उनकी आदत सी बन गई है। सियासी वार पलटवार एक तरफ और हकीकत दूसरी तरफ, क्योंकि हर कोई ये जानता है कि सपा के प्रत्याशियों के लिए ये चुनाव जीतना नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि हर सीट के लिए 403 विधायकों के हिसाब से वोट डाले जाएंगे और इस हिसाब से भाजपा की जीत तय है। ABP गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। बाल बढ़ते आगे, अखिलेश यादव के लिए मेरठ से नया अलर्ट सामने आया है। यह ऐसा सावधान संदेश है जिसे सियासी तौर पर बेहद अहमियत दी जा रही है। सपा के खेमे में इसकी जबरदस्त चर्चा है। दरअसल मेरठ में सपा नगर निगम के चुनाव में बुरी तरह से हारी, इसके पीछे पार्टी में बागियों की बड़ी भूमिका मानी गई। लेकिन जब पार्टी के विधायक हाजी रफीक अंसारी का एक निर्दलीय उम्मीदवार के प्रचार का वीडियो वायरल हुआ तो पार्टी में हड़कंप मच गया। अब भाजपा भी इस पर चुटकी ले रही है, क्योंकि ये वीडियो समाजवादी पार्टी के विधायक का है और समाजवादी पार्टी ने नगर निगम में पार्टी सिंबल के ऊपर अपना प्रत्याशी उतारा। सपा के मुखिया अखिलेश यादव अपने जिस विधायक रफीक अंसारी को मनाने उनके घर गए थे, अखिलेश ने मेरठ में अपने जिस MLA को सपा की मेयर प्रत्याशी सीमा प्रधान के समर्थन में खुलकर सामने आने को कहा था, उसी विधायक का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसने समाजवादी पार्टी के भीतर के शीत युद्ध को सामने ला दिया। वायरल वीडियो मेरठ नगर निगम के वार्ड 77 के चुनाव प्रचार का है। यहां सपा विधायक हाजी रफी सपा के ही पार्षद प्रत्याशी की खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। इसके बदले वे निर्दलीय प्रत्याशी रोशन मुस्तफा के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं। और एक तरफ आपका भाई, मेरा भाई मुस्तफा भाई, दोनों में तराजू में तोला मिले। साथियों जब गिरता है तो अपने तरफ को गिरता है भाई, तो भाई का वजन भारी लगा और मैं इसलिए मुस्तफा भाई के लिए अपील कर रहा। सपा विधायक की अपील का ये असर हुआ कि पार्टी की प्रत्याशी जेबू निशा यहां बुरी तरह हार गई और निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई।
इस पर रफीक अंसारी की सफाई सामने आई। ये तो हमारे सभासद में सब लोग लड़ते हैं, हमारा चिन्ह पे चुनाव नहीं होता। हम तो सबको कहते हैं सब लड़ो, जो जीत जाए वही हमारा, और है भी सच बात यही, जो जीतेगा वही हमारा है। अब हमारी देखिए अक्सरियत फिर बढ़ जाएगी। इससे साफ है कि मेरठ में सपा के खेमे में क्या चल रहा था। नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी मेरठ नगर निगम के 90 वार्ड में से सिर्फ 13 पर जीत पाई, वहीं निर्दलीय 9 पर चुनाव जीत गए, जबकि AIMIM जैसी पार्टी ने 11 सीटों पर जीत हासिल कर ली। सपा के लिए ये बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि मुस्लिम बहुल वार्ड में ही पार्टी को सबसे ज्यादा चुनौती मिली। अब भाजपा ने सपा की अंदरूनी लड़ाई पर चुभने वाला तंज किया है। पार्टी के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने तो अखिलेश को पार्टी के खिलाफ काम करने वाले नेताओं पर एक्शन की चुनौती दे डाली है। ये मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि जो विधायक और सांसद के हैं वो इसी को टिकट दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, लेकिन संगठन में उसमें तालमेल बैठना चाहिए। जब वो नहीं बैठता, लेकिन सबके बावजूद भी अगर संगठन ने किसी का टिकट कर दिया तो कार्यकर्ता का और जनप्रतिनिधि का के पास एक ही विकल्प है कि उसके समर्थन में खड़ा हो, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और इसके अलावा यदि कोई विकल्प और तलाशता है तो अपनी माँ की पीठ में छुरा घोंपता है, पार्टी माँ है। समाजवादी पार्टी को अपने विधायक की वजह से फजीहत झेलनी पड़ रही है, तो सपा विधायक हाजी रफीक अंसारी कह रहे हैं कि सपा पार्टी नहीं आंदोलन है। ये समाजवादी पार्टी से डर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को दिया नहीं है, जो फूंक मारो बुझ जाएगा। ये अगरबत्ती की तरह खुशबू है, ये दिलों में बसी हुई है मुसलमान के, और मुसलमान के दिलों में बसी हुई है। और समाजवादी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये आंदोलन है, और आंदोलन कभी थमता नहीं है, रुकता नहीं है। आप ये गलतफहमी निकाल दें, समाजवादी पार्टी इनकी हवा निकल गई इस चुनाव में। सपा के भीतर की कलह सामने आने का फायदा यहां AIMIM ने जमकर उठाया, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि अब मुसलमानों का सपा और बसपा से मोह भंग हो चुका है। मुस्लिम किसके साथ जाएंगे, ये तो अभी जो हालिया मेयर महापौर का चुनाव हुआ है उससे साबित होता है कि इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में जबरदस्त वोट उत्तर प्रदेश मेरठ के मुसलमानों ने किया है। और अगर आप बूथ वाइज आंकड़े भी देखें तो मैं आपको बता दूं कि सबसे हाईएस्ट वोट अगर किसी बूथ पर एक पार्टी को मिला है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दक्षिण इस्लामाबाद वार्ड 71 के बूथ से मिला है। महापौर प्रत्याशी को हमारे 715 वोट है एक सिंगल बूथ से। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री ने और तमाम नेताओं ने कर्नाटक के इलेक्शन में बजरंग बली को लेकर आए, हिजाब के मुद्दे को लेकर आए, बांटने के मुद्दे को लेकर आए, लेकिन कर्नाटक की जनता ने उन सारे मुद्दों को नकार कर जो जनता के मुद्दे हैं उन पर वोट किया और पूरे देश को संदेश दिया कि अब इस तरीके की धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति नहीं चलने वाली। और उसी का नतीजा है कि कर्नाटक में इतना बड़ा बहुमत कांग्रेस पार्टी की ओर आया। भले ही बागी पार्टी नेताओं पर एक्शन का सपा पर काफी दबाव हो, लेकिन अब तक इस राह में कोई फैसला लेने से पार्टी तौबा करती दिख रही है। ABP गंगा के लिए मेरठ से सनुज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। निकाय चुनाव के नतीजों से गदगद हुई भाजपा जी जान से 24 की तैयारी में जुटी है। आज लगातार दूसरे दिन क्षेत्रीय स्तर की बैठक हुई। ब्रज से लेकर गोरखपुर क्षेत्र में 24 विजय का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। भाजपा का पूरा फोकस गोरखपुर क्षेत्र के उन 3 लोकसभा सीटों पर है जहां भाजपा 2019 का चुनाव हार गई थी। हालांकि इस बार इस कमी को पूरा करने की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। पश्चिम और काशी क्षेत्र की बैठक के बाद गुरुवार को भाजपा संगठन ने ब्रज और गोरखपुर क्षेत्र में निकाय चुनाव के नतीजों और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया। गोरखपुर में भाजपा के महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने बैठक को संबोधित किया। इस बैठक में पार्टी के तमाम विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी पर खास तौर से बात की गई। मई महीने में ही मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने वाले हैं। भाजपा ने 30 मई से 30 जून तक जनसंपर्क अभियान चलाने का फैसला किया है। गोरखपुर क्षेत्र में भाजपा क्लीन स्वीप की तैयारी से उतरने वाली है। यही वजह थी कि सांसद विधायक से लेकर क्षेत्रीय पदाधिकारियों तक को बुलाया गया था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष सफलतम पूर्ण कार्यकाल होने पर भारतीय जनता पार्टी विभिन्न चीजों को लेकर के एक संपर्क महाअभियान चलाने जा रही है। उसी के संदर्भ में हमने आज ये बैठक आहूत है जिसमें हमारे सभी सांसद हैं, माननीय विधायक हैं, MLC हैं, हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, हमारे क्षेत्र के पदाधिकारी
उनके समिति के सदस्य हैं, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, ऐसे हम लोगों ने हर जनपदों से इस संपर्क महाअभियान के लिए 8 लोगों की एक टोली बनाई है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। 2024 के तैयारी के क्रम में ही ये महासंपर्क योजना का यहाँ विस्तृत योजना बनेगी और उसी के निमित्त हम सभी कार्यकर्ता आगे 1 महीने तक घर घर जा कर के केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को बताने का कार्य करेंगे और अपने संगठन को भी मजबूत करने का कार्य करेंगे। भाजपा की ये संगठनात्मक बैठकें 2024 के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही हैं। दरअसल अभी गोरखपुर क्षेत्र में जो 13 लोकसभा सीटें हैं उनमें से 10 पर भाजपा का कब्जा है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी 13 सीटों को कैसे जीता जाए इसकी रणनीति तेज हो गई है। भाजपा का पूरा फोकस मऊ और लालगंज लोकसभा सीट पर है। आजमगढ़ सीट को भाजपा ने हाल ही में हुए लोकसभा उपचुनाव में जीत लिया था। गोरखपुर के गोरखपुर क्लब में गोरखपुर क्षेत्र कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें तमाम सांसद विधायक के साथ ही मंत्री भी यहां पर मौजूद हैं और जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं वे भी यहां पर हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भाजपा की सरकार के 9 साल पूरा होने पर 30 मई से लेकर 30 जून तक गली गली मोहल्ले मोहल्ले में महाजनसंपर्क अभियान चलाने वाली है, और इस अभियान का उद्देश्य यह है कि लोगों तक जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं जिसका लाभ मिल चुका है उसके बारे में बताना। लगातार दूसरे दिन भाजपा ने ब्रज क्षेत्र में भी संगठनात्मक बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के अलावा केंद्र और राज्य सरकार के 10 मंत्री शामिल हुए। इसके अलावा ब्रज क्षेत्र के सभी सांसद और विधायकों के साथ साथ 9 निर्वाचित मेयर भी शरीक हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी पर विस्तार से चर्चा हुई। हम लोगों ने पूरी संगठन के स्तर पर उस अभियान को प्रभावी और घर घर संपर्क किस रूप में हो इस प्रकार की योजनाएं हम लोगों ने बनाने का काम किया है। आज केंद्रीय बैठक के बाद क्षेत्रीय बैठक थी और क्षेत्रीय बैठकों में जिले की बैठक, मंडल की बैठक, हम लोगों ने ये क्रम से तय कर लिया है। आज ब्रज क्षेत्र कार्य समिति की बैठक हो रही है और यह संगठन की चलने वाली प्रक्रियाओं में से एक है। राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, फिर प्रदेश, फिर क्षेत्र की, फिर जिले की, फिर मंडल की। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्णय लिए जाते हैं, जो आगामी समय में राजनीतिक प्रोग्राम होते हैं, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। भाजपा 365 दिन चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी कही जाती है और निकाय चुनाव के नतीजों के बाद से ही लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटना इस बात को साबित भी करता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बागेश्वर बाबा की हिंदू राष्ट्र वाली मुहिम पर यूपी में सियासी माहौल गर्माने के बाद अब पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का इस मामले पर बड़ा बयान आया है। उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर भाजपा के प्रचारक की तरह काम करने का आरोप लगाया है। पुरी के शंकराचार्य ने कहा कि पिछले कई दशक से मैं हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा हूं, लेकिन मेरा कभी किसी ने विरोध नहीं किया। उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु स्वामी रामभद्राचार्य को भी भाजपा का प्रचारक बता डाला। जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने प्रयागराज की धरती से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर तीखा तंज किया है। बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम। 18 महीने पहले मैंने कहा था हिंदू राष्ट्र उसकी नकल है, मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूँ तो मेरा विरोध कहीं नहीं होता है। उनको भाजपा ने अपना प्रचारक बना लिया, एक दल के हो जाने से कांग्रेस आदि के द्वारा उनका विरोध स्वाभाविक है। शंकराचार्य ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण अभी सिर्फ 25-26 साल के हैं, क्या पता कि वो भविष्य में गृहस्थ आश्रम में चले जाएं। यही नहीं, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने हनुमंत कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु रामभद्राचार्य को भी भाजपा के प्रचारक की तरह काम करने वाला बता डाला।
और स्पष्ट है, तो बिहार में भी गए हैं तो भाजपा के लिए काम करते ही, उसमें इसका कुछ छिपी हुई बात तो नहीं है। उनके गुरु जी जो कौन है, राम भद्राचार्य जी, वो भी भाजपा के लिए प्रचार करते हैं, उसमें क्या बात को छिपी तो नहीं है। पुरी के शंकराचार्य ने हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि ऐसा होने से कोई रोक नहीं सकता। संविधान से हमें कुछ नहीं, संविधान बना है, निरस्त भी हो सकता है। हिंदू राष्ट्र बनने के लिए सब बानक जो हैं बन रहे हैं, आधारशिला बन रही है। जिन्होंने संविधान बनाया या जिनको संविधान बनाने का श्रेय दिया गया, उन्होंने जो संविधान पे टिप्पणी की वो सही है या नहीं, आपको मालूम है या नहीं? जिनको संविधान बनाने का श्रेय दिया गया, उन्होंने जो संविधान की टिप्पणी की दो वाक्यों में, वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाले। पुरी के शंकराचार्य ने हिंदुत्व के मुद्दे पर खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ की। कोरोना के पहले समय पर मेरे पास आते रहे, जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब से परिचित हैं, लगभग 30 वर्षों से परिचित, अच्छे हैं, खाऊ नहीं हैं, बिकाऊ नहीं, और सूझबूझ भी उनमें है, ताकत भी है और नियंत्रण करने की क्षमता भी है। इन सब कारणों से उनकी ख्याति है, आसाम के मुख्यमंत्री हैं ये। उधर बाबा बागेश्वर का यूपी में विरोध करने के सपा के अल्टीमेटम पर सियासत भी गर्म है। सपा प्रवक्ता सुनील साजन ने बुधवार को ऐसा बयान दिया था। समाजवादी पार्टी इस देश के और प्रदेश के जो सामाजिक तानाबाना है, राजनैतिक तानाबाना है, आर्थिक तानाबाना है, अगर इसको कोई बिगाड़ेगा तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे और उसके खिलाफ खड़े होंगे। वर्तमान में जो महापुरुष हैं, जो संत हैं, जो ऋषि हैं, जो समाज को दिशा देते हैं, जो त्यागी तपस्वी हैं, जिन्होंने अपना घर बार छोड़ करके समाज के लिए काम करते हैं, अगर वो प्रसिद्ध हो जाते हैं तो ये कहते हैं भाजपा का एजेंडा, भाजपा ऐसा, भाजपा का अपना एजेंडा इतना ज्यादा है कि उसको किसी और एजेंडे में जाने की जरूरत नहीं है। साफ है कि हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर सियासत फिलहाल थमने वाली नहीं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वरल बात तो चुभेगी, आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।